हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं कॉर्न कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम बहुत ही कम तेल में क्रिस्पी और करारेदार बना के दिखाने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। कॉर्न कबाब बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सर तैयार करेंगे। तो यहाँ पे हम एक मिक्सर जार ले लेंगे और इसमें हम डालेंगे ये अदरक, यानी कि 1 इंच अदरक को हमने छील के और उसके टुकड़े कर लिए हैं। 12 से 15 हम लहसुन की कली डालेंगे जिसे हमने छील के उतार रखे हैं। यहाँ पे हम 4 से 5 हरी मिर्च डालेंगे, तो आप अपने तीखा के अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। और यहाँ पे हम डालेंगे कुछ फ्रेश धनिया पत्ता जिसे हमने धो के अच्छे से साफ कर लिया है। सबसे पहले हम इसे पीस लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने मिर्च अदरक लहसुन को दरदरा पीस रखा है, ज्यादा बारीक नहीं करना है। चलिए हम कॉर्न डाल लेते हैं। तो कॉर्न को हमने दाने अलग करके इसको प्रेशर कुकर में 3-4 भीसी उबाल लिया है। पानी से निकाल के हम पानी सुखा लिए हैं। अब हम इसे मिक्सर जार में डाल के और पीसेंगे। ध्यान रहे कॉर्न में बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए। हम कॉर्न को दरदरा पीसेंगे। तो चलिए हम मिक्सर की तरफ चलते हैं। मिक्सर को हम चालू बंद चालू करके पीसेंगे और चम्मच की मदद से हम इसे ऊपर नीचे ऐसे चलाते ही रहेंगे, क्योंकि हमने आपको बताया कि हमें कॉर्न को दरदरा पीसना है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि हमारे कबाब में कॉर्न दिखना चाहिए। तो ऐसे हम बंद चालू करते हुए एक बार और चला लेंगे। आप देख सकते हैं हमने कॉर्न को दरदरा पीस रखा है। 1-2 इसमें कॉर्न दिखे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमें कॉर्न कबाब बनाना है तो कॉर्न की मात्रा दिखनी चाहिए। चलिए हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर ले रहे हैं। तो हम इस मिक्सर को बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे आलू। तो यहाँ पे हमने 2 बड़े आलू को उबाल के और इसको मैश लिया है। साथ में हम डालेंगे प्याज। तो यहाँ पे हमने 2 प्याज को बारीक बारीक काट लिया है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए, पर प्याज बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे हम डालेंगे 1/2 कटोरी चावल का आटा, यानी कि राइस फ्लोर। राइस फ्लोर कुरकुरा बनाने में मदद करता है। और 1/2 कटोरा हम चने का आटा, बेसन यानी कि ग्राम फ्लोर बाइंडिंग का काम करता है। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर। और स्पाइसी बनाना है तो इसमें हम भरपूर मात्रा में मिर्ची डालेंगे, यानी कि 2 से 3 चम्मच। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम डालिए। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच भर के चाट मसाला। अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और स्वाद को बढ़ाने के लिए हम डालेंगे थोड़ा सा अमचूर पाउडर। तो यहाँ पे हमने अमचूर पाउडर लिया है, यानी कि ड्राई मैंगो पाउडर। अब सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिक्स कर लेंगे। तो आप चाहें तो चम्मच की मदद से कीजिए या हाथ से कीजिए, पर एक बढ़िया सा स्मूथ फ्लो तैयार करना है कबाब के लिए। हमें फ्लोर कम पड़ेगा तो या तो राइस फ्लोर या ग्राम फ्लोर मिक्स कर लेंगे। हमने हाथ से सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें फाइनली डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसमें नमक आप ध्यान से डालिए, नहीं तो सारे इंग्रेडिएंट्स का स्वाद ये बिगाड़ देता है। नमक के साथ हम अच्छे से कबाब डो को मैश करेंगे, यानी कि नमक अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए। हमने डो में नमक को अच्छे से मिक्स कर लिया है।
तो सबसे पहले हम अपने हाथ को साफ करके और तेल से ग्रीस करेंगे। आप तेल या बटर कुछ भी लगाइए, हाथ को ग्रीस कर लीजिए, क्योंकि ये डो जो है हाथ में चिपकता है। तो हम थोड़ा सा डो निकालेंगे, यानी कि एक बॉल के बराबर, या आप अपने मन पसंद निकाल सकते हैं। आप देख सकते हैं ऑयल लगाने से अपना हाथ में ये चिपक नहीं रहा है। सबसे पहले हम इसे एक राउंड शेप देंगे और हथेली पे ऐसे प्रेस कर लेंगे, तो ये फाइनली अपना कॉर्न कबाब तैयार है। ऐसे हम प्लेट में कबाब तैयार करेंगे। एक और बना के दिखा देती हूँ। डो में से हम थोड़ा सा ले लेंगे, हम तो यहाँ पे एक नींबू के आकार का ले रहे हैं, और ऐसे गोल करेंगे, फिर हथेली से प्रेस करते हुए कबाब का शेप दे देंगे। तो चलिए, हम सभी कबाब बना के तैयार कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमने एक बैच अपना कबाब तैयार कर लिया है। चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने एक फ्राई पैन में एक बड़ा चम्मच तेल डाल लिया है। तेल को हमें अच्छे से गर्म कर लेना है ऐसे फैलाते हुए। तो आप चाहें तो तावा पर भी बना सकते हैं, आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पैन में सेलो फ्राई करने वाली हूँ। तो अपना तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें कबाब डालेंगे। तो यहाँ पे हम एक एक कबाब ऐसे छोड़ देंगे, एक बार में जितना कबाब आ सकेगा हम पैन में डालेंगे। ध्यान रहे थोड़ा थोड़ा स्पेस होना चाहिए, जिससे कि हम इसे फ्लिप करेंगे तो टूटने ना पाए। तो हम थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ के ऐसे कबाब डाल ले रहे हैं। एक साइड से हम 1.5 से 2 मिनट फ्राई होने के बाद इसे छेड़ेंगे, नहीं तो ये कबाब टूट सकता है। 2 मिनट हो चुका है, चलिए हम अपना कबाब फ्लिप कर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक छोटा सा फॉग लिए हैं, आप कोई भी स्पून या छोटी चम्मच हो तो ले लीजिए, क्योंकि इसमें जगह कम है तो हमें छोटा ही उलटने वाला चाहिए। आप देख सकते हैं एक साइड से कितनी बढ़िया अपनी कबाब तैयार हुई है। तो चलिए, हम सभी कबाब को ऐसे ही फ्लिप कर ले रहे हैं। हमने सभी कबाब को फ्लिप कर लिया है, अब हम दूसरी साइड से भी इसे 2-3 मिनट पका के फिर आपको दिखाते हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, चलिए एक बार फिर से अपना कबाब चेक कर लेते हैं। तो हम फिर से वही फोक से ही फ्लिप करेंगे, क्योंकि जगह कम है। तो आप देख सकते हैं दूसरे साइड से भी अपनी कबाब जो है परफेक्ट पक चुकी है। तो हम इसे ऐसे ही उलट पलट के अच्छे से पका लेंगे, यानी कि टोटल टाइम हमें 6-8 मिनट तक देना है, तभी अपनी कबाब जो है अच्छे से कड़ाड़ेदार पकेगी। हमने दोनों साइड से उलट पलट के कबाब को एकदम कड़ाड़ा पका लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे हमने चम्मच चेंज कर लिया है और कबाब को हम ऐसे प्लेट में निकालते जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने सभी कबाब बना लिया है। चलिए हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने हरे टमाटर की चटनी बना ली है, चलिए थोड़ा इसका गार्निशिंग कर लेते हैं, जिससे इसका लुक बढ़ जाए। तो यहाँ पे हमने डाला पुदीने की पत्ती और हल्का सा धनिया पत्ता, यानी कि 2। कितना सुंदर लग रहा है अपना चटनी। अब हम प्लेटिंग करते हैं। तो आप देखिए कितनी कड़ाड़ेदार मजेदार अपने कॉर्न कबाब तैयार हुई है, देखने में सुंदर क्रिस्पी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी कॉर्न कबाब बनके तैयार हुई है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है, इसे आप कोई भी पार्टी हो या फेस्टिवल हो या कहीं भी गेस्ट आए बनाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।